जनाब आ चुके हैं उस मेज पर जहां पर होंगे टोटके, क्योंकि डॉक्टर बिल्किस हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। और सीजन ऐसा है कि इन टोटकों की बहुत जरूरत है। और आप बताइए कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अब हमसे पूछिए हम कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है ना, उनके बारे में बताया ना। देखिये बारिश हुई और बारिश के साथ साथ आया क्या क्या है, नजला, खांसी, खिंचाव, इधर दर्द उधर दर्द, सर दर्द, तो प्लीज कुछ बताएं। अच्छा, ये पूरे मुल्क में हो रहा है और इस मौसम में, और फिर उसके बाद भी जो है ना और बीमारियां आ जाएंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं कि घर से आप किचन टिप से आप इन बीमारियों को कैसे क्योर कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हर घर में दूध मौजूद होता है, लेकिन एक और चीज़ भी होती है, धनिया। ये तो है, है। ये क्रैम्प्स को ख़त्म करने में बेहतरीन चीज़ है। अगर आपको सर में बेतहाशा दर्द हो रहा हो, वो दर्द अगर आपको गर्मी की वजह से हो रहा हो, तो बेस्ट है कि आप इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लें, या ब्लेंड नहीं करें, दूध के साथ उबाल लें। अगर ये धनिया नहीं मिलता है तो आप हरा धनिया के पत्ते भी ले सकते हैं, लेकिन उसके जो सिर्फ पत्ते आपको चुनना है। सही। आपने एक चम्मच आपने हरा धनिया इसको पीसा और आपने दूध में डाला। मैं अभी आपको बताने के लिए ऐसे ही कर रही हूँ। अदरवाइज आपने पीसना है। हाँ, आपने पीसना है। ना पीसे तो उसको वैसे ही चबाने से बड़ा अच्छा लगता है। दूध में कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे बड़ी बात कि ये दूध के साथ जब आपके बॉडी के क्रैम्प्स नहीं होंगे, ये वो बुजुर्ग जिनको रात को एकदम क्रैम्प पड़ते चीख के उठते हैं, नसों में खिंचाव आ जाता है, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो खूब ज़्यादा वो नहा चुके हैं, नहाने के बाद आप प्लीज़ ये ज़रूर दीजिए। अच्छा, दूसरा दूध के साथ ही ज़ीरा, मगर ज़ीरा जो है वो असली वाला काला ज़ीरा देना चाहिए। काला ज़ीरा में हमारे जो भाई हैं पंसार भाई, वो कलर करके सफ़ेद ज़ीरे को दे देते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें। जैसे ये है ना छोटा वाला ज़ीरा, इसको पीस कर पिंच जो है आप इसी तरह दूध के साथ बच्चों को पिलाएं, तो उनके जो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ये सारी चीज़ें होती है। इसके लिए ये जो रेमेडीज़ हैं ये प्रूवन रेमेडीज़ हैं और ये सदियों से होते आ रहे हैं। तो आप करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा बच्चों को फ़र्क पड़ेगा और आपके किचन की टिप है। और इसका जायका ऐसा नहीं होगी कि बच्चे भागें। हाँ, अलबत्ता आपका दूध जो है वो नीम गर्म होना चाहिए। ओके। दूध जो है ठंडा नहीं होना चाहिए। और आप जैसे चम्मच में लेके बच्चों को पिलाएं, उससे उनका जो सीने बलगम है, और 2 साल के बच्चे हैं वो खांसी में अगर नहीं, मतलब कि उनको नहीं पता कि कैसे निकालना है, तो भी आप 1-2 चम्मच पिलाएंगे तो उनका सीना खुल जाएगा। बच्चों की एज से ऊपर ऊपर को दे दीजिए। अच्छा, मुझे ना अदरक का जायका पसंद है, मुझे बताएं अदरक से हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, अदरक से देखें, अब इस मौसम में क्योंकि सब्जियां जो चीज़ें हम खा रहे हैं, बारिश की भीगी हुई चीज़ें खा रहे हैं, अव्वल तो आप सब्ज़ी वगैरह को अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें, गली हुई सड़ी हुई फल फ्रूट इस्तेमाल ना करें, सही है। और आप घर में एक लेमिनेट बना सकते हैं। okay. उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने अदरक के टुकड़े लिए और ये बना के ना डिटॉक्स वाटर बना कर आप घर में रखें। उसको बनाने का तरीका मैं इस तरह आपको बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने इतना हमेशा जब भी आप अदरक लें और मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से लें कि उसका पूरा मेडिसिन आपको मिले, तो थम जितना लेना चाहिए। okay. जैसे ये देखें थम जितना। और अगर आप अदरक को किसी भी शेप में देखेंगे तो उसमें मैदा बना हुआ आपको ज़रूर नज़र आएगा, क्योंकि अल्लाह गफ़ूर रहीम ने हमें बताया है कि मैदे के अमराज में कितना आपको फ़र्क डालता है। और जितने भी हमारे रेमेडीज़ होती हैं उसमें अदरक लाजमी जुज़ होता है। आपने अदरक के छोटे छोटे टुकड़े किए, आपको इसके छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है। आपने इस तरह करके इसके टुकड़े कर लिए। मैं आपको डिटॉक्स वाटर इस मौसम का बनाना सिखा रही हूँ, जो ये बारिशों के मौसम का है, कि आप अपने निज़ाम हज़म को कैसे सही रखेंगे। और मेरी तरह से बना के ना रखें, उसको पिए भी जी बिल्कुल। अच्छा, उसमें आपने लाइम जो है लींबू के बीज निकाल देने, छिलका नहीं उतारना, ठीक है। और ये आप पूरे घर भर के लिए बना सकते हैं। थोड़ा कड़वा सा लगता है ये। कोई बात नहीं, कड़वा लगता है ना, लेकिन कोई मसला नहीं, आप नींबू के को भी ना काट के इसमें डाल दें। मेरी मम्मा कहती है कड़वा है, जहर नहीं है, पी लो। मेरी अम्मा कहती है दवाई समझ के पी लो। हाँ। और मैं लग रहा है इसका जायका अच्छा होगा जी। बहुत अच्छा। अच्छा, अब इसमें देखिए ये 2 चीज़ें चली गई। आप इसको मतलब कि पूरे जग में बना के रख सकते हैं, ये ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अच्छा। अच्छा, अगर आपके घर में पहाड़ी पुदीना है तो बहुत अच्छा मिल जाता है। अगर नहीं है कोई मसला नहीं, आप घर के पुदीने से ही काम ले सकते हैं, लेकिन उसके पत्ते आपको 25-30 डालने पड़ेंगे। पहाड़ी पुदीना आपने सुखा के, पहाड़ी पुदीना, हाँ पुदीना बहुत मुख्तलिफ है और बहुत अच्छी है जी। आपने इसको डालना है, ये आपका जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा सा डिटॉक्स वाटर बन जाएगा। और इसमें आपने डालना है ज़ीरा।
सही, जीरे को भी पीसने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आपका बन गया बहुत अच्छा सा डिटॉक्स वाटर, जो हर अमराज में आप ले सकते हैं। और इसके साथ एक और काम आप कर सकते हैं, अगर बच्चों को पिलाना है तो आप इसमें मिश्री डाल दें। ओके, हाँ सही है। और अगर बड़े कह रहे हैं कड़वा लगता है तो भी डाल लें मिश्री। और अगर बड़ों को कड़वा लगता है तो थोड़ा सा पिंच नमक आप डाल दें। नमक क्या करता है, वाटर को रिटेन होने में आपकी मदद करता है, क्योंकि अब जो इस मौसम में जब बारिशें वगैरह होती हम पानी कम पीते हैं। yes. तो पानी कम पीते हैं तो इसीलिए जब बारिशों का मौसम होता है तो वो चीज़ें जैसे हम पकोड़े वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो इस अगर इनडायरेक्टली आप उनको देखें तो बेसन आपके वाटर को रिटेन आपकी बॉडी में करने में आपकी हेल्प करता है। तो नमक भी बॉडी में जो वाटर रिटेन करता है, इसीलिए जब हम डाइट पे जाते हैं तो हम नमक को अवॉइड करते हैं। okay. है ना, कि वाटर रिटेंशन ना हो। तो जिनको वाटर रिटेंशन होती है वो आप मिश्री का इस्तेमाल कर ले, मिश्री भी कम ना डालें तो ठीक है, लेकिन बच्चों को देने के लिए आप थोड़ा सा इसमें जो मिश्री डाल दें ताकि बच्चे अच्छा हो जाए वो पी लें। और बड़े अगर मतलब निज़ाम हजम के तौर पे लेना चाहते हैं तो पिंच काला नमक आप इसमें पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो मज़ीद दिलचस्प बना दिया आपने जी। तो मतलब कि देखिए, आप जायका अगर लाएंगे तो लोग इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज़ क्या होगा कि रेमेडीज़ जो हैं वो देखने में अगर अच्छी नहीं लगती तो खाने में भी लोग नहीं पसंद। लेकिन देखने में भी अच्छी है और थोड़ी सी मिश्री या नमक डाल देंगे तो टेस्ट अच्छा। लेकिन मुझे बताइए बेस्ट टाइम कंजम्पशन का क्या है निहार? थ्रू आउट द डे 1.5 लीटर बना के रखे, खत्म हो तो दोबारा बना ले। अच्छा, वो ना अभी हमारे साथ एक शेफ थे तो उन्होंने ना इमली का ड्रिंक बनाया था, इमली मिला लूं इसमें? दिल चाह गया मेरा। हां, में रहे भाई, धुआं निकलना चाहिए इसमें। धुआं नहीं भी हो, इमली हो सकती है ना? नहीं हो सकती। अच्छा चले, आपने कहा तो 40+ वाले लाइम की जगह इमली डालते हैं। ओके, इसके लिए मैं 40 के होने का इंतजार करूँ? हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका सिट्रिक एसिड जो है वो बॉडी के पेन्स को बढ़ा देता है, डिटॉक्स बहुत अच्छा करता है। लेकिन अगर आप इस उसमें इमली डालें तो दो चीज़ें एक साथ ना डालें। आप हमेशा बहुत प्यारा एक्सप्लेन करती हैं। प्लस हो जाता है, लेकिन माइनस माइनस भी वो हो जाता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो इस वजह से इस उसको देखते हुए ना करें। और ये मजीद क्या क्या कुछ आपने रखा हुआ है? जी जी, मैं बता रही हूँ। देखिए, पनीर बूटी पूरी हर जगह जो है ना इसको सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए, क्या नाम है, शुगर के। अब देखें, ये वो चीज़ें जो किचन में नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत सस्ती है, हमारे मुल्क में तो है। ठीक है, हम जिस मुल्क के बाशिंदे वहाँ तो है। तो आपने सिर्फ लेना है 3 पनीर बूटी इस मौसम में, अगर आप चाहते हैं कि दाने चीज़ें वगैरह, क्योंकि बारिश में नहाया सब कुछ के एक्नी आ गई, पिम्पल्स आ गए, बॉयल्स आ गए, सारी चीज़ें होनी है आगे जाके, क्योंकि आप देखें ना पानी कितना खड़ा हुआ है उसमें रह के आके, तो आपको डिटॉक्सिफिकेशन ब्लड की भी तो चाहिए। तो उसके लिए बेस्टेस्ट रेमेडी है कि आप जो है पनीर के 3 पनीर बूटी लेकर आप इसको इस तरह करके क्रश करें, बहुत आसान है। और इस पे आप खोलता गर्म पानी डाल दें, और आपका ये प्याला अगर उसका मिट्टी का हो तो बेस्टेस्ट। ओके, वैसे अंजीर की तरह के बीज हैं इसके। जी, और आपने इसको रख देना है भिगोकर, और अगर सुबह आप कोई अदवियात नहीं इस्तेमाल करते तो, और आपको हाइपोग्लिसरीमिया नहीं है, हाइपोग्लिसरीमिया जिनका शुगर सुबह के टाइम लो हो जाता है, ठीक है, तो फिर वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अदरवाइज 3 पनीर बूटी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। okay. और आपका जो गुर्दा फिल्टर प्लांट है, इस मौसम में आप पानी को दवा के तौर पे पिए, क्योंकि इसमें पानी पीने का दिल नहीं चाहता, तो इसलिए पानी के साथ आप थोड़े से इस तरह के डिटॉक्स वाटर बना ले, कुछ भी कर ले, ताकि दिल भी करे, वाटर इनटेक आपकी अच्छी हो जाए, ताकि आप बीमारियों से प्रिवेंट कर सके अपनी बॉडी को। ये मेथी दाने नहीं, ये तारा मीरा के बीज है। सही है। अच्छा, अब मैं कौन से किस्म में होता, मुझे क्या इसको भी, एग्जाम में पूरा करेंगे अभी शुएब। अच्छा, ने ये तारा मीरा के बीज हैं। अब ये क्या करता है, ये आपको एंटी एलर्जी जो हम खाते हैं उसकी तरह ये काम करता है। तो ये बच्चों को आप सिर्फ इतना, सिर्फ पिंच, इसमें 8 से 10 दाने आते हैं। हर वो बंदा जो रोज़ाना अर्टिकेरिया का शिकार है, अर्टिकेरिया यानी कि फ्लेयर अप हो जाती, फ़ौरन उसको इचिंग होती, चाहे इन्वायरमेंटल हो चाहे इंटरनल हो, तो वो ये खा सकता है, अपनी दवाइयों से निजात दिलाने में ये आपकी मदद कर सकता है। पिंच आपने ये कंज्यूम करना है। पिंच, और जो बड़े हैं, जो बच्चे हैं, वो पिंच इतना अगर पीस के दे दें बहुत अच्छा है, अगर खाली पेट खा सकते तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दिन में 2 बार पिंच पिंच बच्चों को दें। ड्रिंक में मिला दें बच्चों को? नहीं, ड्रिंक में नहीं, ऐसे ही। देखिए, ये इसी तरह आपके एंजाइम्स के साथ जाना चाहिए, जो अल्लाह ताला ने हमें एंजाइम्स दी उनके साथ इसी को मर्ज होना चाहिए, ताकि ये दवा बन सके। और बड़े जो हैं
वो जो है इतना 1/4 टीस्पून. अगर आप दिन में लेंगे तो आप जो एंटी एलर्जी की चीज़ें लेते हैं, चाहे वो अर्टिकेरिया की वजह से लेते हो, चाहे आपको लंग्स इसमें इन्वॉल्व होते हो, तो अगर आप इसका इस्तेमाल शुरू करेंगे तो आपकी अद्वियात को छुड़ाने में ये आपकी मदद कर सकती है. मगर याद रखिएगा कि ये दवा बन सकती है लेकिन ये टाइम लेगा. तो आप एकदम से सारी एंटी एलर्जी नहीं छोड़ सकते, ठीक है? आप स्लो एंड ग्रेजुअली छोड़ेंगे. जैसे देखिए, हम अपने बेस्ट जज होते हैं, हमें खुद पता चल जाता है कि अब जो है दवा बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, मालूम हो जाता है. तो इसका इस्तेमाल कीजिए, तो इससे आप जो है बड़ी बड़ी बीमारियों से बचने में, फॉर ऑल एलर्जीज, फॉर ऑल काइंड ऑफ एलर्जीज, इस मौसम में, हर मौसम में, हर देखिए हर 3 महीने बाद एस्थमा एग्रीवेट हो जाता है, सीजनल एस्थमा होता है, क्योंकि अल्लाह ने 4 मौसम दिए, 12 महीने दिए, तो हर 3 महीने के बाद जो एग्रीवेशन होती है. तो आप पहले से प्रिवेंशन पे चले जाएं. अगर आपने इसको 3 to 6 month इस्तेमाल कर लिया, मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं वो अब अपनी अद्वियात छोड़ चुके हैं. पोलन एलर्जी के लिए भी काम जी, पोलन एलर्जी के लिए वैसे सत्यानासी बूटी बेस्टेस्ट है. लेकिन उसके बाद इसका नाम सत्यानासी बूटी जी, सत्यानासी, उसका नाम सत्यानासी है. इसका सत्यानाश हो जाए, नहीं बीमारियों का सत्यानाश करती है और खेत का सत्यानाश करती है, क्योंकि जहाँ लगती है वो इतनी पावरफुल होती है कि वो दूसरी चीजों को लगने नहीं देती, वो लगती चली जाती है, लगती. अगली बार ना सत्यानासी बूटी पे हम जरूर डिटेल से बात करेंगे. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. भाई छोटी इलायची रह लेंगी? छोटी इलायची मैंने इसलिए रखा है कि कभी कभी होता है ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता है ऐसे मौसम में. सही है, आप अपनी अद्वियात वगैरह इस्तेमाल करें, लेकिन आपको लग रहा है कि हाई हो रहा है, लो हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, आप मॉनिटर ज़रूर करें. और ये जो छोटी इलायची घर में है उसको उबाल के पी लें उस वक्त, या 2 मुंह में रख के चबा लें, तो जो यहाँ का दर्द होता है उसको कम करने में आपकी मदद करता है. और इसी छोटी इलायची को पीस कर सरसों के तेल में मिलाकर इन्फ्यूज करके रख लें. अगर सर में बेतहाशा दर्द होता है और आपको पता नहीं कि सर दर्द किस वजह से हो रहा है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे. इससे आपके सर दर्द में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा. और उसके साथ लाइम काट के सर की जड़ों में लगाएं. ओके. उससे भी दर्द में अफाका होगा.